Hello guys, hope you are doing well. My name is Mayank and I am an IIT Delhi alumni. I am going to take your chemical kinetics session. आज के सेशन में हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को रिविजिट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, एक रिएक्शन हमें दे रखा है विच इज एक्स ए गिव्स यू वाई बी, और इसके नीचे एक लॉग का एक्सप्रेशन दे रखा है, ये वाला. ऑलराइट, और हमसे पूछा ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे टिपिकली होता है. ये 2019 में आया हुआ मेंस का सवाल है. ऑलराइट, इस सवाल को करने के लिए एक कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो कंसेप्ट कौन सा है आइए देखते हैं. तो फर्स्ट कंसेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिफरेंशियल रेट लॉ. बेटा कोई भी रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, दिस इज अ जनरल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन का मतलब है कि ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन इसी तरीके से दिखते हैं, मतलब एम ए प्लस एन बी गिव्स यू पी सी प्लस क्यू डी. ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज हाउ यू डिफाइन द रेट दिस वे. ठीक है, आई होप सबको ये चीज क्लियर हो कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो ऊपर जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है इसका रेट कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी ऑफ ए इनटू डीए बाय डीटी. सिमिलरली माइनस, माइनस क्यों आ रहा है बेटा, बिकॉज ये क्या है, रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के केसेस में माइनस आता है, प्रोडक्ट के केसेस में माइनस नहीं आता. ठीक है, प्रोडक्ट के केसेस में आपको यहां पर प्लस दिख रहा होगा, प्लस का मतलब है ये प्रोडक्ट है, ये बन रहा है. ऑल राइट, और डिवाइड हमें करना होता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. ए के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट m है, तो m से डिवाइड कर दिया. तो आई होप ये सबको क्लियर है कि डिफरेंशियल रेट लॉ हम लिखते हैं कैसे, किसी भी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ किस. बेटा ये प्रॉपर थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज नहीं हो रहा. सीधे सीधे रिएक्शन देखा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखे, और उन्हीं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बेसिस पे हमने डिफरेंशियल रेट लॉ लिख डाला. तो आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है. तो गाइस, एक्स ए गिव्स यू वाई बी, दैट इज समथिंग विच इज गिवन टू अस, और ये लॉग का एक्सप्रेशन गिवन है. इस लॉग के एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज लॉग ऑफ 10, लॉग टू द बेस 10 ब्रैकेट में माइनस डी ए बाई डी टी. ठीक है, ये चीज गिवन है. दिस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ब्रैकेट के अंदर क्या गिवन है बेटा, db by dt, साथ में 0.3010. बेटा यहां पे एक सिंपल सी आपकी नॉलेज यूज होगी, नॉलेज मतलब एक मेमोरी वाली चीज यूज होगी, दैट इज लॉग की वैल्यूज. दो तीन ऐसी लॉग की वैल्यूज है जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे लॉग 2, लॉग 3 और लॉग 7. मैंने यहां पे वैल्यूज तीनों की लिख भी रखी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू इज 0.477 एंड लॉग 7 की वैल्यू 0.845. ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत बार यूज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग 5 निकालना है, अगर मुझे यहाँ इनके बेसिस पे लॉग 5 निकालना है, लॉग 5 क्या होता है, लॉग 10 बाय 2, दैट इज इक्वल टू लॉग 10 माइनस लॉग 2. राइट, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लॉग की, लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस बी. तो log 5 निकालना, तो 5 को 10 बाई 2 लिख दिया, log 10 माइनस log 2 लिख दिया. log 10 की वैल्यू 1 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो बेसिकली इससे 0.7 के अराउंड की कुछ वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये तीन log की वैल्यूज याद रहेंगी ना, तो काफी सारी log की वैल्यूज आ जाती है, डिराइव हो जाती है. ठीक है, तो दीज थ्री वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान रखेंगे. एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. तो इन्हीं वैल्यूज के बेस पे मुझे समझ आ रहा है कि इसको log 2 लिखा जा सकता है टू द बेस 10. ठीक है, इस 0.3010 को log 2 टू द बेस 10 लिखा जा सकता है. अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 10 माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू log बेस 10 टू टाइम्स ऑफ db बाई डी टी. ठीक है, ये तो सबको आता है, बेसिक लॉग की आइडेंटिटी है. फिर इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी बी बाई डी टी. ठीक है, टू को नीचे ले आओ, तो माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी.
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस वन बाय टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ऑल राइट, अब गाइज इसको मैं डिफरेंशियल रेट लॉ की स्टेटमेंट से कंपेयर करता हूं कि माइनस वन बाय एम, मतलब इसके अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल रेट लॉ, माइनस वन बाय एक्स डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाय वाई डी बी बाई डी टी, राइट। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो समझ आ जाएगा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। दैट मींस ये जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है, दिस इज ऑफ द टाइप 2a गिव्स यू b, दिस इज ऑफ द टाइप 2a गिव्स यू b। तो बस आपको ये देखना है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन 2a गिव्स यू b को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें b को ध्यान से चेकआउट करोगे, इस b वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से चेकआउट करोगे, तो 2a gives you b सेंस बना रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ C2H4 कैन बिकम C4H8, ये बिल्कुल सेंस बना रहे। बट अगर आप c करोगे तो ये सेंस नहीं बनाएगा, बिकॉज अपने आप ही समझ आ रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू गिव्स यू NO2, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, इट इज b। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी ऑफ अस। आगे चलते हैं, इसी टर्म्स में एक और सवाल है, मतलब दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन डिफरेंशियल रेट लॉ। ऑलराइट, तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2a गिव्स यू b प्लस 3c। ऑलराइट, अच्छा गाइज अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है मुझे, तो इसके बेस पे मैं डिफरेंशियल रेट लॉ तो लिख ही सकता हूं। जरा सोचिए क्या होगा इसके बेस पे डिफरेंशियल रेट लॉ, सबको समझ आ रहा होगा इसके बेस पे डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा। लेट्स ट्राई टू राइट इट, इट इज माइनस वन बाय टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाय थ्री डी सी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू रेट। आई होप सबको ये बात समझ आ रही हो कि आप इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ जस्ट इस रिएक्शन को देख के ही लिख सकते हो। डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इस रिएक्शन को देखा और उसके बेसिस पे डिफरेंशियल रेट लॉ इस तरीके से लिख दिया, और आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, डीए बाई डी टी की भी वैल्यू दे रखी है, डीबी बाई डी टी की भी वैल्यू दे रखी है, डीसी बाई डी टी की भी वैल्यू दे रखी है। ऐसा करते हैं, और आपको बेसिकली K1, K2, K3 में रिलेशन चाहिए, तो ऐसा करते हैं यहां पे ना इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। माइनस वन बाई टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA by dt गाइस, इट इज K1 into A square, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB by dt, K2 into A square। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dC by dt, K3 into A square, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं क्या किया हमने, हमने रिएक्शन को देख के, जो रिएक्शन हमें गिवन था 2a gives you b plus 3c, इसको देख के सीधे सीधे डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दिया, और उस डिफरेंशियल रेट लॉ में जो dA by dt, dB by dt और dC by dt का एक्सप्रेशन था वो उसमें पुट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू के वन इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के थ्री बाई थ्री, ठीक है। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू माइनस हाफ है, और y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू 1/3 है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो सकता था, मेंस में अगर ये सवाल आता है तो ऐसा कुछ पूछ लेते, x प्लस वाई की वैल्यू बता दो, x इंटू वाई की वैल्यू बता दो, तो उस तरीके से फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन तो यही था, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इन दो क्वेश्चन से एक चीज तो सबको समझ आनी चाहिए कि डिफरेंशियल रेट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको कैसे लिखना होता है, सिर्फ रिएक्शन को देखना और डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चंस व्हिच हैज कम रिसेंटली ऑन इन 2019 मेंस, है ना, साल लिखा हुआ आपको साइड पे दिख रहा होगा, 2019 में आया था मेंस में। चलो क्वेश्चन फटाफट एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स यू c, एग्जामिनर ने हमें एक रिएक्शन दिया है 2a प्लस b गिव्स यू c, द वैल्यूज ऑफ द इनिशियल रेट, इनिशियल रेट की वैल्यूज नीचे गिवन है, ठीक है। जैसे जैसे आप
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज कर रहे हो, ए और बी की कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे इनिशियल रेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको कि जैसे जैसे आप ए और बी की कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, इनिशियल रेट चेंज हो रहा है। और आपसे ना रेट लॉ पूछा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये अलग कंसेप्ट में बेस्ड है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑर्डर वगैरह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर होता क्या। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द कंसेप्ट्स इन्वॉल्वड। ठीक है बेटा, अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस कंसेप्ट फटाफट चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखा है, पी प्लस टू क्यू गिव्स यू आर। ऑलराइट, अब इसका रेट लॉ तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से यहां पहुंचना तो बहुत आसान है। ये कैसे पहुंचे हम, यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि माइनस डीपी बाई डीटी लिख दिया, माइनस वन बाई टू डी क्यू बाई डीटी लिख दिया। ठीक है, अब गाइज ये रिएक्शन का जो रेट होगा, जो एक्सपेरिमेंटल रेट है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। मतलब ये वाली चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। एक तो डिफरेंशियल रेट लॉ है, वो अलग है, वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। ये दूसरा तरीका है गाइस, दिस इज अ सेकंड वे बाय विच यू कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा है ध्यान देंगे, रेट इज इक्वल टू के, विच इज अ रेट कॉन्स्टेंट, इन टू रिएक्टेंट्स, कौन कौन से, पी और क्यू, रेज टू पावर सम कॉन्स्टेंट एम और एन। ठीक है, तो ये जो m है, ये जो n है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये भी सब सबको आप सब जानते होंगे। m इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू p एंड n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू q। यहां पे लिखा भी हुआ है, m इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू p एंड n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू q। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के रेट की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिएक्शन बयान करते हैं। ठीक है, मतलब मेरा रिएक्शन का रेट पी पे, पी के हिसाब से कैसे वेरी करता है। ठीक है, वो ऑर्डर आपको बताता है। मेरा रिएक्शन का रेट क्यू, क्यू के हिसाब से कैसे वेरी करता है, तो वो रिएक्शन क्यू का ऑर्डर बताएगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली रिएक्शन के रेट की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट बताता है। ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ द ऑर्डर। ऑलराइट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या करते होते हैं, सारे रिएक्टेंट्स के ऑर्डर का सम कर देते हैं। जैसे पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एम है, क्यू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एन है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एम प्लस एन के टर्म्स में लिखते हैं। गाइज यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एम और एन होते हैं, ये आपको एक्सपेरिमेंटली मिलते हैं, ये आपको थ्योरेटिकली नहीं मिलते। यहाँ पे भी एक चीज मेंशन कर रखी है बहुत क्लियरली कि पावर्स एम एन आर नॉट रिलेटेड टू द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, आर नॉट रिलेटेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम और एन का कोई रिलेशन उसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं होगा। बात समझ आ रही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है, इफ इट इज गिवन दैट अबव रिएक्शन is simple slash elementary, then m is equal to 1 and n is equal to 2. That means they are related with स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि वैसे तो ये जो ऑर्डर होते हैं कि रेट इज इक्वल टू पी की पावर एम, पी का एम, पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एम है, क्यू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एन है, ये एम और एन एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, डेटा के बेस पे आता है, ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेटेड नहीं होता। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये, बट अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि
ये जो ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है विच इज पी प्लस टू क्यू गिव्स यू आर, ये रिएक्शन एक सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है. ये वर्ड्स यूज कर लिए उसने, सिंपल एलिमेंट्री, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए उसने. तो इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि ये जो ऊपर वाला आपने रिएक्शन लिखा है, इसके जो ऑर्डर होंगे वो उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर कि हर बार आप नहीं यूज कर सकते ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट एक पर्टिकुलर केस में कर सकते हो, ऑर्डर को स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर यूज कर सकते हो व्हेन एग्जामिनर एक्सप्लिसिटली टेल्स यू दैट द रिएक्शन इज सिंपल और एलिमेंट्री. आई होप सबको बात समझ आ रही हो. ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं गाइस. इस क्वेश्चन के अंदर एक बार पढ़ लो आप, इस क्वेश्चन में कहीं एग्जामिनर नहीं बोलता ये कि रिएक्शन इज सिंपल और एलिमेंट्री, नहीं बोला एग्जामिनर. एग्जामिनर डजंट मेंशन दिस थिंग कि रिएक्शन इज सिंपल और एलिमेंट्री. अगर मेंशन कर देता तो ऑर्डर क्लियर होते, बट यहां पे उसने मेंशन नहीं किया, दैट मींस हमें नहीं पता ऑर्डर. बात समझ आ रही है सबको? ऑर्डर जानने के दो ही तरीके हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटली निकालो, या फिर एग्जामिनर ये बता दे कि रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री है. अगर सिंपल एलिमेंट्री बोल दिया तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर बता देगा. ठीक है, अगर रिएक्शन सिंपल या एलिमेंट्री बोल दिया एग्जामिनर ने तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका ऑर्डर बता देगा. बट अगर एग्जामिनर ने नहीं बोला यहां पे, जैसे मेरे को दिख रहा है यहां पे एग्जामिनर ने कहीं नहीं बोला, दैट मींस आई नीड एक्सपेरिमेंटल डेटा, और वही डेटा उसने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है. बात समझ आ रही होगी सबको? अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ये चेकआउट करें कि हम जब सॉल्व करेंगे हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन. ठीक है, ये तो जनरल एक्सप्रेशन होता है ना रेट का, रिएक्टेंट रेज टू पावर सम कोफिशिएंट. दिस इज नॉट अ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्लीज नोट दैट. ओके, एनीवेज, तो यहां पे आप चेक कीजिए, पहले दो केस को हम कंपेयर करते हैं. पहले दो केस को कंपेयर करते हैं. ए को ट्वाइस कर दिया आपने, ए को ट्वाइस कर दिया, बी को सेम रखा है. ए को ट्वाइस रखा है, ट्वाइस किया, बी को सेम रखा है, तो रेट कितने टाइम्स हो गया? ट्वाइस हो गया. देख पा रहे हैं आप रेट को भी? देखें, ए को ट्वाइस किया, बी को सेम रखा है, और रेट भी ट्वाइस हुआ है. दैट मींस इसको देख के सिंपल सिंपल एक चीज समझ आ गई कि एम की वैल्यू ऑब्वियसली वन होनी चाहिए, बिकॉज अगर ए को ट्वाइस कर दिया और एम की वैल्यू वन है तभी तो टू बाहर आएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल एम की वैल्यू टू होती, ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एम की अगर वैल्यू टू होती, एम की वैल्यू टू होती और ए को ट्वाइस करता तो टू का स्क्वायर बाहर आता, दैट मींस रेट फोर टाइम्स होता. अगर m की वैल्यू 3 होती, m की वैल्यू अगर 3 होती और a को ट्वाइस कर दिया तो 2 टू द पावर 3 बाहर आता, तो रेट 8 टाइम्स होता. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, रेट ट्वाइस हुआ है. दैट ऑब्वियसली टेल्स अस कि m की वैल्यू 1 है. तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि रेट इज इक्वल टू k इनटू a की पावर 1 है इनटू b की पावर n है. अभी तक हमें इतना पता चला है. ऑलराइट, अब ऐसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं. अब आप कंपेयर करें फर्स्ट और थर्ड वाली वैल्यू को. फर्स्ट और थर्ड मतलब मैं ब्लू कलर के पेन से मार्क कर रहा हूं यहां पे. फर्स्ट और थर्ड वाली वैल्यू को आप कंपेयर करें. ठीक है, आप ये देख पाएंगे कि आपने ए को फोर टाइम्स किया है. आपने ए को कितने टाइम किया? फोर टाइम्स. 0.05 से 0.2 गया तो कितने टाइम्स हुआ है? फोर टाइम्स ही तो हुआ है. बात समझ आ रही है? और B को कितने टाइम्स किया? टू टाइम्स. 0.05 से 0.1 तो इसको टू टाइम्स किया. तो रेट कितने टाइम्स हो जाना चाहिए इसको जरा चेक करते हैं. इट इज 4 इंटू 2 टू द पावर n बाहर आएगा. तो रेट आपका इतने टाइम्स होना चाहिए. बात समझ आ रही होगी कि 4 a वाले से 4 बाहर आ गया और b वाले से 2 टू द पावर n बाहर आ गया. तो रेट इतने टाइम हुआ, रेट कितने टाइम हुआ वो चेक कर लो. रेट कितने टाइम हुआ? 0.72 डिवाइडेड बाय 0.045. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा. तो यहां से n की भी वैल्यू आ गई माय फ्रेंड्स. इट इज 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 2 आ गई. सबको समझ आ रहा होगा? m1 और n2. द आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज डी ऑप्शन.
आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, आंसर डी ऑप्शन है. एक चीज का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन यूनिट्स. ये बहुत कॉमन गलती है जो हम करते हैं. गाइस ध्यान देना है कि यहां पे जो टेबल है, यहां पे जो टेबल है, टेबल में अगर आप यूनिट्स चेक करोगे ए के बी के और इनिशियल रेट के, सबके यूनिट्स में मोल्स पर लीटर है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान था. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग यूनिट्स होते तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होता, कन्वर्जन करनी होती. ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि ये गलती बहुत ही कॉमन गलती है जो सबसे होती है. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल डज इट. ठीक है, चलिए आई थिंक आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये ऑर्डर की कहानी हमें समझ आ गई होगी. अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2002 में आया था मेंस में, एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ यूनिट्स की बातें करनी है. तो फटाफट यूनिट्स चेक कर लेते हैं, यूनिट्स कैसे निकालते हैं हम. लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. यूनिट्स कोई भी रिएक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर करता हूं मैं, ए गिव्स यू बी. ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे कर लेते, चलो जनरल कंसिडर करते हैं, एम ए गिव्स यू एन बी, एम ए गिव्स यू एन बी. ठीक है, तो इसमें रेट लॉ कैसे लिखते हैं कि माइनस वन बाई एम डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, वन बाई एन डी बी बाई डी टी, ये रेट होता है ना. और आपको पता है कि यूजिंग एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आप ऐसे लिखते हो कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पार एक्स, वेयर एक्स इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. तो बेटा ये चीज अगर लिखनी आ गई तो हमारे ना 90% क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं इसी चीज से. ठीक है, जितने भी ऑर्डर के सवाल होते हैं इसी चीज से खत्म हो जाते हैं कि आपको रेट लिखना आना चाहिए डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से, और आपको रेट लिखना आना चाहिए एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के हिसाब से, और दोनों को इक्वेट करना आना चाहिए. गाइज अब आपको यूनिट्स चाहिए, तो किसी दो को, दो से एक इक्वेशन बना लेते हैं. जैसे माइनस वन बाई एम डी ए बाई डी टी दिस इज इक्वल टू के इंटू ए रेस्ट पर एक्स. ठीक है, के इंटू ए रेस्ट पर एक्स. बेटा ये तो नंबर है, ये तो नंबर है, और डी ए बाई डी टी के यूनिट्स क्या होंगे. डी ए मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए मतलब मोल्स पर लीटर, ये न्यूमरेटर के यूनिट्स है, और टाइम डिनोमिनेटर के यूनिट्स है. के का यूनिट्स निकालना है, ए के यूनिट्स फिर से कंसेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर रेस्ट पर एक्स. तो गाइज इसको जरा सॉल्व करते हैं. के यूनिट्स के आगे मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर यहां पे वन था तो यहां पे वन माइनस एक्स आ गया इनटू टाइम टू द पावर माइनस वन. ये आपके के यूनिट्स आ गए जनरली. यहां पे मैंने बिल्कुल अज्यूम नहीं किया कि कौन सा ऑर्डर है, ये जनरल कहानी चल रही है कि ऑर्डर कोई भी हो सकता है. ऑर्डर को एक्स मानते हुए चला हूं मैं, और मैंने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा, हर डायमेंशनल एनालिसिस किया, हर चीज के यूनिट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है ताकि मुझे के यूनिट्स मिल पाए. तो यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि के यूनिट्स वेरी करेंगे. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि के यूनिट्स सेम नहीं होते, के यूनिट्स वेरी करते हैं. अगर यहां पे जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए के यूनिट्स हो जाएंगे मोल्स, एक्स को जीरो पुट करो बस, मोल पर लीटर पर सेकंड. टाइम अगर सेकंड्स में या आवर्स में वो देख लेंगे. ऐसे ही अगर यहां पे मुझे फॉर फर्स्ट ऑर्डर देखना हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इट इज एक्स को वन पुट कर दिया तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई. सिंपल है, सेकेंड इनवर्स. आई होप सबको क्लियर हो गया कैसे निकालने हैं के यूनिट्स. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि एक्सप्रेशन लिखना है,
डायमेंशनल एनालिसिस करना है और यूनिट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला। तो बिल्कुल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ए हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, फटाफट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहते हैं। अ रिएक्शन 2x गिव्स यू b इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 2x गिव्स यू b एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसकी कुछ कहानी डिस्कस करने के लिए बोली है। गाइज मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोस्टली क्वेश्चन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, है ना। कई लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, बट नहीं भी याद रखोगे इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। बहुत मामूली सी इंटीग्रेशन यूज होती है इसके अंदर। लेट्स सी हम अपनी अभी तक जितना हमने पढ़ा इतने नॉलेज से काइनेटिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा, सिर्फ बेसिक से करूंगा। एक रिएक्शन दे रखा है 2x गिव्स यू b, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बिल्कुल लिख देते हैं यहाँ पे, लिखते जाते हैं साथ साथ। 2x गिव्स यू b एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें बता दिया गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता है। R इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पार जीरो। जीरो ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर, रिएक्टेंट की पार में जीरो आएगा। That means R की वैल्यू K के बराबर होती है जीरो ऑर्डर के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट K। ऑलराइट, चलिए अब उसने बोला है कि इसका जरा इसकी कुछ कंसेंट्रेशन दे रखी है इनिशियल और बोला हाफ लाइफ 6 घंटे है। तो गाइज ये जब भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हमें वही काम करना है जो मैंने आपको सिखाया है कि आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है, आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखना है और आपको दोनों को इक्वेट करना है। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिख चुके हैं हम बिकॉज एग्जामिनर ने हमें दे दिया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैंने जीरो डाल दिया, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ इसको देख के आ जाएगा, क्या आएगा बेटा -1/2 डी एक्स बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू वन, वन तो आएगा ही और डी बी बाय डी टी एंड दिस इज इक्वल टू के। के कहां से आया, एक्सपेरिमेंटल रेट, मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा और उसको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से इक्वेट कर दिया। ठीक है, और यहां पे अगर आप चेक करेंगे इन दोनों का एक इक्वेशन बना लेता हूं मैं, इट इज डी एक्स इज इक्वल टू -2k डी टी और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको लिखेंगे इनिशियली x नॉट एक्स टी जीरो टी, लिमिट्स डाल दिए तो एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू -2kt। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आ गई। अब गाइज यहाँ पे ना अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं ना तो गलती भी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जो फॉर्मूला याद रखते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये कंसेप्ट इन्वॉल्व में आप अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप जनरली ये याद रख लेते हैं, ये वाला सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू -kt। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख लेते हैं। तो बेटा हर रिएक्शन का ये फॉर्मूला अलग ही बनेगा। वहां पे -kt था, अगर आप यहां से देखेंगे सी टी माइनस सी नॉट इज -kt। ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये फॉर्मूला तब बनता है जब रिएक्शन इज लाइक दिस, ए गिव्स यू बी वाली कहानी। बात समझ आ रही है, जब रिएक्शन इज दिस, जब रेट लॉ आपका ऐसे दिखता है, कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, 1/2 टाइप्स कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आपने रिएक्शन चेंज कर दिया, 2x कर दिया, x की जगह यहां पे 2x कर दिया, तो ये फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप बेसिक से क्वेश्चन करो, फॉर्मूले मत यूज करो इस पर्टिकुलर केस में या फर्स्ट ऑर्डर में। एक सेकेंड लगता है, छोटी सी इंटीग्रेशन है, कहां दिमाग लग रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं xt माइनस x नॉट इज इक्वल टू -2kt। और आपको क्या डेटा दिया, अब यहां पे पुट करना शुरू कर दो कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.2 और हाफ लाइफ 6 घंटे में आई। हाफ लाइफ का मतलब है आधा हो गया रिएक्टेंट। इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.2 है, फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 0.1 होगी, आधा हो गया ना रिएक्टेंट। तो 0.2 से 0.1 हो गया, आधा हो गया रिएक्टेंट, कितने टाइम में, 6 घंटे में। तो -2
के इंटू सिक्स, ठीक है? तो यहां से के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू कितनी आई, 0.1/12। आई होप सबको ये समझ आ रहा है, के की वैल्यू 0.1/12 आ गई। इतनी कहानी से मैंने के आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है? अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब उसने ये बोला है, क्वेश्चन तो ये था नहीं, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ दिस। अब दोबारा से यही इक्वेशन यूज करते हैं, एक्स टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस टू के टी, ठीक है? अब उसने जो केस दिया है उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 0.5, एक्स नॉट की जगह 0.5 यूज कर लेते हैं, और उसने फाइनल कंसेंट्रेशन भी दिया 0.2। के की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, क्या वैल्यू बेटा के की, 0.1/12, और आपको टी निकालना था। कितना सिंपल सवाल हो गया। तो ये 0.3 माइनस 0.3 आ गया, इस साइड माइनस 0.2/12 आ गया, इंटू टी आ गया, ठीक है? माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 6 आ गया, तो टी की वैल्यू 18 आवर्स आ गई। आई थिंक आंसर बिल्कुल क्लियर है, आंसर ए है। गाइस फटाफट देखेंगे क्वेश्चन करना कैसे है। ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, बार बार मेंस में आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने सबसे पहले रिएक्शन जो दे रखा है उस रिएक्शन को लिखा, ठीक है? स्टेप्स फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं। आपने सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा और उसको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से इक्वेट कर दिया। अगर आप इतना कर चुके तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, उसके बाद सिर्फ मैथ्स है, उसके बाद केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल बचता ही नहीं है, मतलब आपके पास इक्वेशन आ जाती है। आप रिएक्शन लिखते हो, ठीक है? रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, दोनों को इक्वेट करते हो, आपके पास इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हो, ठीक है? तो बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स वेरी क्रिटिकल। आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना आना चाहिए जीरो ऑर्डर का, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखना आना चाहिए, और दोनों को इक्वेट करना है, उससे इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे चलते हैं, चलिए। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरनल वूंड, अच्छा किसी को चोट लगे तो बैक्टीरिया इस रेट से ग्रो करता है, और ये रेट दे रखा है, ठीक है? टी आर्स है, ठीक है? ये भी समझ आ गया। अ डोज ऑफ एंटीबायोटिक, अगर मैंने एंटीबायोटिक खाई तो उसको 1 घंटा लगता है वूंड तक पहुंचने में, दैट मीन्स 1 घंटे तक बैक्टीरिया आराम से ग्रो करता है। बात समझ आ रही है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्रो करता है 1 घंटे तक। ऑलराइट, वंस इट रीचेस देयर, फिर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इससे डिक्रीज होती है। ऑलराइट, और आपको ये सब बताना है, आपको ग्राफ बताना है N0/N का, ठीक है? आई होप सबको क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा। तो गाइज एक चीज हमें समझ आनी चाहिए कि टिल 1 आवर, जब तक एंटीबायोटिक वूंड तक नहीं पहुंचती, 1 घंटा लगेगा ना, क्वेश्चन में बता रखा है 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे तक एनटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, इट इज एन नॉट इनटू ई, टाइम को 1 पुट कर दिया ना, ई टू द पावर 1 इज ई, तो ये आपकी कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की है एट टी इज इक्वल टू 1 आवर। बात समझ आ रही होगी सबको, ठीक है? आफ्टर 1 आवर ये आपका बेसिकली ये जो चीज है, इट इज न्यू एन नॉट, बिकॉज जब एंटीबायोटिक पहुंचेगी तब उसको ये इनिशियल कंसेंट्रेशन दिखेगी बैक्टीरिया की, बिकॉज बैक्टीरिया इतना ऑलरेडी ग्रो कर चुका है 1 घंटे में, तो अब बैक्टीरिया की ये इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गई है, ठीक है? तो आफ्टर 1 आवर वो चीज हमें देखनी है कि 1 घंटे के बाद क्या करना है। आफ्टर 1 आवर dN/dt, दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं, dN/dt इज इक्वल टू -5n² इंटीग्रेट करते हैं, dN/n² इज इक्वल टू -5dt, लिमिट्स पुट करते हैं। गाइस टाइम की लिमिट क्या होगी, 1 घंटे से टाइम स्टार्ट हो रहा है, टी तक जा रहा है, और n की लिमिट्स क्या होंगी, बैक्टीरिया के नंबर की लिमिट क्या होगी, बैक्टीरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है,
आंसर इज नॉट जीरो, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा बैक्टीरिया. जब दवाई पहुंची तो बैक्टीरिया कितना था, एन नॉट ई. दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, एन नॉट ई. कहां तक जा रहा है बेटा, एन टी तक. ठीक है, तो जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं. एन टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट्स आपको पता है एन नॉट ई से एन टी. दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव टी माइनस वन. ठीक है, आगे करते हैं इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं. माइनस यहां से आएगा, यहां से माइनस कट जाएगा, तो इसका इक्वेशन सॉर्ट करके वन बाय एन टी माइनस वन बाय एन नॉट ई. ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ टी माइनस वन. यहां तक हम पहुंच गए हैं. चलो आगे चलते हैं. एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को एन नॉट. अरे ये क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ग्राफ एन नॉट बाय एन का चाहिए, मुझे ग्राफ एन नॉट बाय एन का चाहिए. तो पूरी इक्वेशन को एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन नॉट बाय एन टी की वैल्यू क्या आ गई, ये ई बन जाएगा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाय ई माइनस फाइव प्लस फाइव टी. तो ये अगर आप चेक करोगे, ये जो इक्वेशन हमारी सॉल्व करके आई है, दिस इज लाइक अ वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स, दिस इज एम एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट सी. तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है या फिर आंसर बी है. बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं यहाँ पे तो, लेकिन लेट्स सी उन्होंने पूछा क्या है. उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द प्लॉट आफ्टर वन आवर, एक घंटे के बाद का प्लॉट पूछा है. मार्क माय वर्ड्स, एक घंटे तक तो इन्फेक्शन इंक्रीज कर रही थी, उसके बाद डिक्रीज कर रही थी, ऐसा ही हुआ था ना. तो वो एक घंटे तक की कहानी पूछ भी नहीं रहा, वो पूछ रहा है एक घंटे के बाद की कहानी क्या होगी. तो ये एक घंटे की बात की कहानी अगर बात की जाए तो ये स्लोप पॉजिटिव आ रही है. एन एन नॉट बाय एन टी वर्सेस टी का ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव आ रही है. तो यही आंसर है आपका. आई थिंक आंसर ऑफ दिस इज दिस बी, ऑप्शन बी इज द आंसर. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसको अगर देखना है तो सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही है. आपको बेसिक मैथ्स यूज करनी है, इंटीग्रेशन यूज करनी है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विद एवरीबॉडी. आगे चलते हैं. गाइस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, है ना. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस. इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल है ये. ठीक है, पहली बात तो मुझे कैसे पता ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है. बेटा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में ना रेट कांस्टेंट के यूनिट्स दे रखे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन डिड्यूस द ऑर्डर. ठीक है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर नहीं दे रखा. लेकिन आपको याद है ना, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर. ऑर्डर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट के यूनिट चेंज होंगे. तो सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट के यूनिट देखो, सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स हैं. फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स हैं मतलब इसमें सारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस आप यूज कर सकते हो. बात समझ आ रही है? ठीक है गाइस, फिर से मैं बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करूंगा. आई विल नॉट ट्राई टू यूज एनी फॉर्मूला एंड ऑल हियर. बाकी मैं बताऊंगा आपको क्या फॉर्मूले होते हैं, बट जितनी हमारे पास नॉलेज अभी है, जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया है, इसके बेसिस पे कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले लेट स्टार्ट विद दिस थिंग की इक्वेशन क्या गिवन है. इट इज 2N2O5, सारी गैसेज हैं बाय द वे, गिव्स यू 2N2O4, ये भी गैस है, प्लस O2, ये भी गैस है. ठीक है, ओके. इनको एक क्लोज कंटेनर में लिया गया है अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशंस
एट इनिशियल प्रेशर 1 एटमोसफेयर, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 180। कुछ टाइम टी पे, इसको टी मान रहा हूं मैं, वाई इंटू 10^3 को टी मान रहा हूं, ठीक है, टी पे प्रेशर की वैल्यू 1.45 हो जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर टाइम टी पे लिखता हूं तो 1 - 2p लिखूंगा, यहाँ पे 2p लिखूंगा और यहाँ पे p लिखूंगा, राइट, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, 1 - 2p लिखा, 2p लिखा और p लिखा, टोटल प्रेशर क्या हो गया टाइम टी पे, पी टी की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज 1 - 2p + 2p + p। मैंने सारे पार्शियल प्रेशर को, सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को एड कर दिया, 2p से 2p कैंसिल, तो pt की वैल्यू 1 + p है, जो कि एज पर क्वेश्चन 1.45 है, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल एनालिसिस यूज कर रहा हूं, अभी तक बिल्कुल लग रहा है केमिस्ट्री ज्यादा यहां पे यूज हो रही है, बहुत सिंपल है। रिएक्शन लिखा मैंने, रिएक्शन के नीचे इनिशियल कंडीशन में मेरे को 1 एटमोसफेयर प्रेशर दे रखा है, एट टाइम टी 1 - 2p 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 किया, ठीक है, और फिर उसके बाद सम ऑफ प्रेशर दे रखा है, सम ऑफ प्रेशर मतलब 1 - 2p + 2p + p, ये दे रखा है 1.45, दैट मींस बेटा p की वैल्यू 0.45 दे रखी है, p की वैल्यू 0.45 दे रखी है। अगर मैं ये डेटा यूज करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 1 - 2 × 0.45, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.1। बात समझ आ रही है, तो इस डेटा से मुझे पता चल रहा है कि N2O5 1 से 0.1 जा रहा है, ऑलराइट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है और वाई की वैल्यू पूछी है, ऑलराइट। तो बेटा यहां पे सबसे पहले मैं कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर की पहले रेट लॉ लिखना पड़ेगा, इसको ए लिख देता हूं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, तो -1/2 dA/dt, ये कहां से आया है, डिफरेंशियल रेट लॉ से है, सब लोग एग्री करेंगे। रिएक्शन लिखो, फिक्स प्रोसेस है बेटा, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखो, डिफरेंशियल रेट लॉ के एक्सप्रेशन को किसके इक्वेट कर दो, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में a^1 आएगा, 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर हमें कैसे पता चला, यूजिंग द यूनिट्स ऑफ k, यूनिट्स ऑफ k से पता चला है फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसलिए यहां पे फर्स्ट ऑर्डर मतलब a^1 लिखा हमने यहां पे। इसको फिर सिंपली इंटीग्रेट करना, बेसिक इंटीग्रेशन है, dA/A = -2k dt, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यूनिट्स पुट करेंगे, 0 से t, a0 से at, यूनिट्स पुट करेंगे, डेटा पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन आएगा ln(a0/at) = 2kt, ln(a0/at) = 2kt, इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, ln(a0), व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0, इनिशियल कंसंट्रेशन, a0 मतलब प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इट इज 1/at = 2 times k, ठीक है, इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी, अच्छा k की वैल्यू गिवन थी, सॉरी मेरे को, k की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, लेट्स चेक इट आउट, k की वैल्यू 5 × 10^-4, इट इज 5 × 10^-4 × t, तो ये ln 10 हो गया, ln 10 मतलब 2.3 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 × 5 × 10^-4 × t, टी की वैल्यू आ गई 2.3 × 10^3, दैट मीन्स वाई की वैल्यू पूछी है उसने, तो वाई की वैल्यू, दिस इज वाई, y की वैल्यू है 2.3, टू बी एग्जैक्ट 2.303 है ना, ln 10 is 2.303, तो एग्जैक्ट लिखोगे तो 2.303, अदरवाइज 2.3 भी एक्सेप्टेबल आंसर था। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीबॉडी, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई डू यू थिंक इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, है ना, बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं आपको भी रीजन बताता हूं, रीजन के लिए ना हमें फॉर्मूले वॉर्मूले देखने पड़ेंगे, तो लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना, हमें फॉर्मूले याद रहते हैं ना, तो ये रहा आपका a गिव्स यू b फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक रिएक्शन, आपने लिखा
डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के सी, ये डिफरेंशियल रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को आपने इक्वेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये एक्सप्रेशन आया बेटा, ध्यान से देखेंगे एक्सप्रेशन। अब लोग क्या करते हैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैं बता रहा हूं और 99% बच्चों से ये मिस्टेक होती है, तो बहुत ध्यान देना है यहां पे जो मैं बोलने वाला, इट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, आपको भी याद ही होगा, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल आता है आप डिराइव नहीं करते कुछ भी, आप इंटीग्रेट नहीं करते, आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करते हो और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हो, आंसर निकालते हो, राइट? ऐसी करोगे? अगर गलती से मैंने ये यूज कर लिया होता, लेट्स कम बैक टू द कहानी, रॉन्ग मेथड यूज करते हैं, रॉन्ग मेथड। अगर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहते हैं, ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, अब देख लो एक्सप्रेशन ही अलग यूज कर लिया। अगर आपने डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज किया तो इट विल बी रॉन्ग, आंसर गलत आएगा, आप चेक कर लो, यहां पे ln 10 आ जाएगा, यहां पे k की वैल्यू निकालनी है और यहां पे आ जाएगा 5 into 10 to the power, सॉरी उल्टा बोल दिया, k की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 into 10 to the power minus 4, 5 into 10 to the power minus 4, और t की वैल्यू निकालनी, तो यहां से t आ जाएगा और ये डिफरेंट आएगा, आपको भी समझ आ रहा है, इक्वेशंस ही अलग अलग बनी है, तो ऑब्वियसली दिस मेथड इज रॉन्ग। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन आप तब करते हो गाइस, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन आप तब करते हो जब एक्सप्रेशंस ए गिव्स यू बी वाले हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूले याद है जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले याद है तो वो ए गिव्स यू बी जैसी इक्वेशंस में यूज हो जाते हैं, बट अगर मैंने यहां पे कोई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड कर दिया तो फॉर्मूले बिगड़ जाएंगे। अब देख लो ये फॉर्मूला आपका ये याद किया हुआ है बट मैं तो ये यूज कर रहा हूं डिराइव करके, चेक द डिफरेंस, मैं टू, वहां पे टू आ गया, नीचे टू नहीं है, ठीक है? तो बेसिक तरीका है इसको डिराइव करने का, वो सबको आना चाहिए, उससे सारे सवाल हो जाते हैं, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो, सारे सवाल हो जाते हैं। ये बाय द वे क्वेश्चन एक एडवांस का सवाल है, 2019 में एडवांस में आया था, मैं यहां पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्क्लोज्ड है कि फॉर्मूले अकेले याद करके काम नहीं बनेगा, बेसिक से क्वेश्चन करो हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, छोटी सी इंटीग्रेशन को 30 सेकेंड ही तो लगते हैं, तो छोटी सी इंटीग्रेशन में 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगाओ और क्वेश्चन सही से करो, दैट इज द वे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो रिएक्शंस हैं, आप देखोगे दिस इज रिएक्शन नंबर वन एंड दिस इज रिएक्शन नंबर टू, इन दोनों को ऐड करके ये वाला रिएक्शन है, वन प्लस टू है, ये सबको दिख रहा है, दो रिएक्शन है, पहला दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है और दोनों को ऐड करके तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है? पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है गाइस, मार्क माय वर्ड्स, के इक्विलिब्रियम गिवन नहीं है, के इक्विलिब्रियम अलग चीज होती है, रेट कांस्टेंट अलग चीज होती है, तो पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, दूसरे रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। अब यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होगी, बच्चे कहेंगे कि दो रिएक्शन को ऐड किया तो उनके के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का एक इंस्टेंस याद होगा कि जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हो तो के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट बेटा वो तो के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होते हैं, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होते, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहां पे ये गलत मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है? जिससे आपका आंसर गलत आएगा, ऑब्वियसली आपको रेट कांस्टेंट लगाना है, ठीक है? When we add two reactions, K equilibrium multiply होते हैं, rate constant multiply नहीं होते, तो इस केस में कैसे करें? Multiply तो कर नहीं सकते, वो rule तो K equilibrium पे लगता है। यहाँ पे क्या करना है? Let's check it out. This is the concept involved. There is a particular step which is called as rate determining step, RDS जिसे बोलते हैं, इसको हम rate
डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, रिडिटरमाइनिंग स्टेप। आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, उसमें से कई स्टेप फास्ट हो जाएंगे, कई स्टेप स्लो होंगे, है ना, रेट वेरी करेगा हर स्टेप का। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, आगे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको आरडीएस बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप को आरडीएस बोलते हैं। और यही जो आरडीएस होता है ये ओवरऑल रिएक्शन का रेट गवर्न करता है। मैं ख्याल से सबको बात समझ आ गई है कि आपका, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि एक रिएक्शन को करने के लिए 3-4 स्टेप्स की जरूरत है, उसमें से कई स्टेप फास्ट होते होंगे, कई स्टेप स्लो होते होंगे। जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको आरडीएस बोला जाता है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप को आरडीएस बोला जाता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नाम से समझ आ रहा है कि रिएक्शन को रेट, रिएक्शन के रेट को यही स्टेप डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑलराइट, सो अगर मैं इस क्वेश्चन में चेक करूं किसका रेट कांस्टेंट कम है, किसका रेट कांस्टेंट, आप ये देखोगे कि ये स्लो स्टेप है, ये एक स्लो स्टेप है, इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है, तो ये एक फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, दैट मींस ये एक आरडीएस है। स्लो स्टेप का मतलब ये आरडीएस है, ठीक है, दैट मींस रिएक्शन का रेट फर्स्ट वाला रिएक्शन गवर्न करेगा, दैट मींस इसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, आगे चलते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल स्टेट 1-2 वेरी यू नो बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको 1-2 चीजें अगर पता हो तो ऐसे सॉल्व होती है रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम। इट्स वेरी इजी, वाई इट इज वेरी इजी आई टेल यू, है ना, आपको लग नहीं रही होगी आसान, बट वाकई में बहुत आसान होती है। तो लेट मी टेल यू कि वाई इट इज सो इजी। रेडियो एक्टिविटी जो होती है, हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल किए हैं, N2O5 वाला सवाल किया ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला, वो तो काफी डिफिकल्ट वाला सवाल है, बट बहुत आसान सवाल भी होते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है वही रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करता है। देखो मतलब सेम इक्वेशन बनती है, जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनती है वही रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन बनती है। चलो आपकी मेमोरी को जॉग करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू रिमेंबर। आपको याद है ये जो रेट लॉ आता है, ये जो एक्सप्रेशन आता है राइट साइड मैंने लिखा हुआ है, ये ए गिव्स यू बी टाइप के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। आपने याद किया होगा ना कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ln ऑफ c नॉट बाय ct इज इक्वल टू kt। लेकिन ये किसके लिए याद किया, ये इंपॉर्टेंट है, ए गिव्स यू बी के लिए याद किया, ठीक है। तो ए गिव्स यू बी के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप रेडियो एक्टिविटी की बात करते हो, फॉर एग्जांपल एक्स गिव्स यू वाई का कोई एक्सप्रेशन लिखना हो रेडियो एक्टिविटी का, तो वो भी बेटा ऐसा ही आता है, बिल्कुल सेम। सी नॉट की जगह एन नॉट लिखा हुआ है, सी टी की जगह एन टी लिखा हुआ है, के की जगह लैम्डा लिखा हुआ है, टी की जगह टी है, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन। That means अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आता है आपको रेडियो एक्टिविटी आता है, अलग से टॉपिक नहीं है। मतलब ठीक है इसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं बहुत सारी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बातें हैं, अल्फा डीके बीटा डीके, मतलब एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के परस्पेक्टिव से सोचो, अगर मुझे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आया रेडियो एक्टिविटी का, तो बहुत सिंपल है। क्यों वो बहुत सिंपल है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है जो हमें अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एक्स विद हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 6.93 × 10⁹ years, इसकी ये हाफ लाइफ दे रखी है, ठीक है। चलो गाइज आपको एक और चीज बता दूं, आपको ये याद है ये एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अगर मैं यहां पे हाफ लाइफ निकालना चाहता हूं तो ln ऑफ c नॉट अपॉन c नॉट बाय 2 करना पड़ेगा। हाफ लाइफ मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन आधी होगी इनिशियल से,
दिस इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, एल एन टू बाई के। ठीक है, टी हाफ की कितनी वैल्यू आ जाती है, एल एन टू बाई के। इसी तरीके से यहां पे भी टी हाफ की वैल्यू निकालनी होगी। ऑन सिमिलर टर्म्स कितनी आ जाएगी, एल एन टू बाई के की जगह क्या है, लैमडा। लैमडा इज द डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो के की जगह लैमडा यूज होता है, ऐसे समझ लो। माय पॉइंट इज, इफ यू लुक एट दिस वैल्यू, यू विल सी दैट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये काफी क्वेश्चंस में भी यूज होता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। प्लीज प्लीज लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस कि हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसका फॉर्मूला होता है ln 2 by k। इसमें कहीं c नॉट नहीं आया, इनिशियल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है t हाफ। लेट्स सी मैं इसको कैसे यूज करता हूं, इसी क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। रेडियोएक्टिव आइसोटोप x है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ दे रखी है, लिख लिया मैंने यहां पे। ये डिके करता है y में, विच इज अ स्टेबल प्रोडक्ट, y इज स्टेबल। ठीक है, दैट मींस x y तक जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, सिक्वेंशियल रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ x y में ही जा रहा है, खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, अ सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम मून वॉज फाउंड टू कंटेन बोथ एलिमेंट्स x एंड y, x बाय y की रेशियो कितनी है, 1/7, ये रेशियो गिवन है। वट इज द एज ऑफ द रॉक, ऑलराइट, ऐसा मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ x था, तो इनिशियल नंबर टी एन नॉट, सिर्फ x है हमारे पास। ठीक है, y है ही नहीं। टाइम t इज इक्वल टू t पे, जो कि हमें निकालना है टाइम t, यहां पे लिखेंगे n नॉट माइनस x, तो यहां पे लिखेंगे x, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। x के नीचे लिखा n नॉट माइनस x, y के नीचे लिखा फिर x, n नॉट, अगर x x टूटेगा तो y भी तो x बनेगा, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को फॉलो कर रहे हैं यहां पे, है ना, कोई बहुत अमेजिंग चीज तो है नहीं है। चलिए, तो इन वैल्यूज को जरा यहां पे पुट कीजिए, x को लिखिए n नॉट माइनस x, y को लिखिए x, इसको लिखिए 1/7, सॉल्व करते हैं यहां पे, 7 n नॉट इज इक्वल टू माइनस 7x, वहां जाके 8x बनेगा, x की वैल्यू 7 n नॉट बाय 8 आ गई। दैट मींस ये आ गया n नॉट बाय 8 और ये आ गया 7 n नॉट बाय 8। ओके, तो नाउ इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, मतलब मजा आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम कि हमें वो टाइम निकालना है जब x का नंबर once n नॉट से n नॉट बाय 8 हो गया। तो यहां पे मुझे एक चीज समझ आ रही है कि पहले x का नंबर n नॉट का आधा होगा, फिर और उसका आधा होगा, फिर और उसका आधा होगा, इसी तरीके से n नॉट बाय 8 तक पहुंचेगा। ठीक है, आधा 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 हो गए, वो नंबर से मेरे को समझ आ गया ना, 1/8 है तो हाफ का हाफ का हाफ है। ठीक है, आधे होने के लिए एक हाफ लाइफ लगती है, n नॉट से n नॉट बाय 2 पे जाने के लिए 1/2 लाइफ, सिमिलरली n नॉट बाय 2 से n नॉट बाय 4 वो और आधा हो गया, तो यहां पे एक और हाफ लाइफ लगेगी और यहां पे एक और हाफ लाइफ लगेगी, तो टोटल आंसर क्या आने वाला है, 3 × ½ लाइफ, विच इज 3 × 6.93 × 10⁹ ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20.79 × 10⁹ ईयर्स आ जाता है आंसर। गाइस, ऐसे मैं कैसे कर पा रहा हूं, व्हाई आई एम एबल टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस, बिकॉज आपका जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। अभी लिखा हमने, स्टेटमेंट को जरा गौर फरमाइए,
कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन. इनिशियल कंसेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती. अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन एन नॉट है तो भी हाफ लाइफ टी हाफ ही है, विच इज मान लो एक्स एक्स ईयर्स. ठीक है, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने चेंज कर दी, पहले एन नॉट थी इनिशियल कंसेंट्रेशन, अब एन नॉट बाई टू होगी, चेंज होगी ना, लेकिन हाफ लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ा. हाफ लाइफ पे कोई असर क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन. हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो इस नोट को मैंने यहां पे यूज किया कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. हमें पता है रेडियो एक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है. ये दो चीजें हमें पता है. तो हमें पता है 1/8 कंसेंट्रेशन तक पहुंचना है. दैट मीन्स हाफ लाइफ पहली, फिर एक और हाफ लाइफ, और फिर एक और हाफ लाइफ. टोटल तीन हाफ लाइफ लगेंगी. एक हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, तीन की करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरीके से सोचा जाइए. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक चीज है, मतलब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसे भी. एक प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, एल एन के और 1/T का प्लॉट दिया हुआ है, और ठीक है, और मुझे 400 केल्विन पे रेट की वैल्यू दे रखी है. चलो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. फॉर अ रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/T. इफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, देन द रेट कॉन्स्टेंट एट दिस. अच्छा, सिंपल है, के और 1/T का प्लॉट है. इस क्वेश्चन को करने के लिए द नॉलेज यू हैव टू यूज इज ऑफ अरहीनियस इक्वेशन बेटा. ठीक है, अरहीनियस इक्वेशन की नॉलेज यूज करनी है. गाइज एक चीज समझ आनी चाहिए, अरहीनियस इक्वेशन ये होती है, के इज इक्वल टू ए इन टू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. मेनी क्वेश्चन इन मेंस में इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय टी. ए एक कांस्टेंट होता है, जो ए है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, वो एक कांस्टेंट है. ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है. के वही रेट कांस्टेंट जो जिसकी पहले बात कर रहे थे, वही वाला रेट कांस्टेंट है. मतलब ये आपको याद होगा एक्सप्रेशन के इंटू ए इंटू ए टू पावर एम, ये के की बात हो रही है, इस के अंदर की बात हो रही है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत बेसिक है, आपको अरहीनियस इक्वेशन आनी चाहिए. ठीक है, मैंने सबसे पहले लिख दिया के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. मुझे पता है एल एन के का ग्राफ बनाना है, एल एन के, तो बोथ साइड्स नेचुरल लॉग ले लेते हैं. एल एन के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी. यहां तक पहुंच गए हम. ठीक है, और हमें ये भी पता है ये आपका वाई है, ये आपका सी है, 1/T आपका एक्स है. स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा? स्लोप की वैल्यू होगी माइनस ई ए बाय आर. स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस ई ए बाय आर. और इंटरेस्टिंगली माइनस ई ए बाय आर की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दे रखी है, विच इज -4606. ठीक है, ये चीज हमें पता है. नाउ लेट्स कम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उसको समझने के लिए दोबारा यहां पे जाता हूं मैं इस इक्वेशन पे. दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड अरहीनियस इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल इक्वेशन, वेरी यूजफुल. रिमेंबर दिस, मैं ज्यादा इक्वेशन याद रखने के लिए नहीं बोलता, बट जो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं उसकी इक्वेशन याद कर लेनी चाहिए, टाइम बच जाता है. ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है मैं फटाफट बता देता हूं आपको, या आपको मैं बताता हूं. जैसे के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, ये आपकी अरहीनियस इक्वेशन है. अब आप टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो के की वैल्यू चेंज होगी, सब जानते हैं. टेम्परेचर मैंने अगर टी वन रखा है तो के की वैल्यू के वन आ जाएगी.
सिमिलरली टेम्परेचर अगर मैंने टी टू रखा है तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इन क्वेश्चन इसको डिवाइड करो, के वन बाय के टू या के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी टू अपॉन ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी वन। ए से ये तो कैंसिल हो गया ना, तो गाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब ऑन सिंप्लीफिकेशन, ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट एल एन ऑफ के टू बाय के वन इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर वन बाय टी टू माइनस वन बाय टी वन। कईयों को वैन हॉफ इक्वेशन याद होगी, उसी की लुक लाइक इक्वेशन है, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड अरिनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहती है, इट टॉक्स अबाउट वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर। कहीं पे भी रेट कॉन्स्टेंट की टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की बात की गई है तो इस इक्वेशन का रोल होगा, ऐसे ही समझते हैं। कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज किया और रेट कॉन्स्टेंट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज किया और रेट कॉन्स्टेंट चेंज हो गया, नया रेट कॉन्स्टेंट क्या है ये निकालना है, तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पता है 400 केल्विन पे रेट कॉन्स्टेंट ये है, मैं जरा यहाँ पे बताता हूँ, 400 केल्विन पे रेट कॉन्स्टेंट ये है, 500 केल्विन पे रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, तो सीधे इक्वेशन यूज करूंगा मैं। इक्वेशन क्या है, एल एन ऑफ के टू बाय के वन इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर 1 by T2 minus 1 by T1। तो ln of K2 by K1, इसमें ln of K2 की वैल्यू क्या लेनी है, निकालनी है। K1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 to the power minus 5 minus EA by R की, इसको minus EA by R को क्या पुट करना है, minus 4606, ये ऊपर से वैल्यू उठाई मैंने। 1 by T2 कितना है, 500, T1 कितना है, 400। तो आपको समझ आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में एक सिंगल अननोन है K2। K2 को आप सॉल्व करो तो बहुत सिंपल आंसर, सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आपका A आ जाता है। अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट A आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि एट व्हाट लेवल दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, आपके पास अरिनियस इक्वेशन है, अरिनियस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अरिनियस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अरिनियस इक्वेशन कौन सी है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर ए इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और इसका एक टेम्परेचर वेरिएशन वाला इक्वेशन याद होना चाहिए, विच इज दिस वन जो मैंने नीचे लिखा है, कि ln of k2 by k1 is equal to minus ea by r 1 by t2। ये और ये इक्वेशन सेम है, ये दोनों सेम इक्वेशन है, लिखने का तरीका अलग है, वो लॉग में लिखी हुई है, मैंने नेचुरल लॉग में लिखी है बस। नीचे वाली इक्वेशन आप तब यूज करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ k विद टेम्परेचर। अगर आप k का वेरिएशन, विच इज रेट कॉन्स्टेंट, K का वेरिएशन टेम्परेचर के हिसाब से चेक करते हो तो नीचे वाली इक्वेशन चेक करते हो, तो इन्हीं दो चीजों को कनेक्ट करो और ये क्वेश्चन करो। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में आया था मेंस में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया है, होप सबको क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हमने अरिनियस इक्वेशन लिखी, अरिनियस इक्वेशन के बाद नेचुरल लॉग लिया। क्यों लिया नेचुरल लॉग, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि एलएन के का प्लॉट है, तो हमें ln k क्रिएट करना है ना, तो इसीलिए नेचुरल लॉग लिया बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लिया है, y is equal to mx plus c वाली इक्वेशन समझ आ गई, स्लोप इसकी माइनस ई ए बाय आर होगी, माइनस ई ए बाय आर की वैल्यू गिवन है माइनस 4606। एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई, और उसने पूछा क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा 400 से 500 कर दूंगा तो रेट कॉन्स्टेंट इस वैल्यू से कहां तक जाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे समझ आ गया कि मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, इंटीग्रेटेड अरिनियस इक्वेशन, विच इज दिस वन। अब इसमें मुझे K1 गिवन है, T1, T2 गिवन है,
ये भाई यार मैं निकाल चुका हूँ, K2 निकालना है, खत्म हो गई बात, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल। चलिए आगे करते हैं। दिस इज अनदर सच एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अरीनियस इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, बट बिफोर आई टॉक अबाउट दिस थिंग, एक कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विट इज दिस वन। ना ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। कैटलिस्ट जो होता है, अगर आपने एक रिएक्शन लिया है और उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, एक रिएक्शन लिया है उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी रही होगी उसकी बिना कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट डालने के बाद वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब इसको ग्राफिकली लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I'll just draw a rough graph here, कि यहां पे आपके रिएक्टेंट्स हैं, यहां पे आपके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है ना, यहां से यहां, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इस ग्राफ को देखे तो ऐसा कुछ ग्राफ आता होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ आता होगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता होगा, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया, अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट क्या करता है मैं आपको बताता हूं, कैटलिस्ट रिएक्शन का पाथ चेंज कर देता है, ऐसा नहीं है कुछ छोटा मोटा चेंज करता है, कैटलिस्ट इन्वॉल्व्स इटसेल्फ इनटू द रिएक्शन, कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, और कैटलिस्ट एक अलग ही पाथ क्रिएट कर देता है। पहले फॉर एग्जांपल पाथ ये रहा होगा, ऊपर वाला ब्लू वाला, बाद में ही आ गया, दिस इज विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहले अगर आप देखोगे विदाउट कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की थी और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की थी, दिस वाज विदाउट कैटलिस्ट। बैकवर्ड रिएक्शन चढ़ने के लिए जो पहाड़ चाहिए वो देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन का वो पहाड़ देखो, तो बेसिकली विदाउट कैटलिस्ट फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे हम चेक करते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट के साथ क्या हुई एक्टिवेशन एनर्जी वो भी देख लो, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी of forward direction in presence of catalyst and this is the activation energy of backward direction in presence of catalyst. तो basically करता क्या catalyst, वो activation energy को कम करता है। अगर activation energy कम होती है, mathematically अगर आप यहां पर देखो, ऊपर लिखा हुआ है, just check it out, mathematically यहां पे देखिए, मैथमेटिकली अगर ईए को कम कर दिया जाए, ईए को कम कर दिया जाए तो ईए बाय आरटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस ई टू द पावर ईए बाय आरटी भी कम हो जाएगा, दैट मींस ई टू द पावर माइनस ईए बाय आरटी बढ़ जाएगा, दैट मींस के बढ़ जाएगा, दैट मींस कैटलिस्ट डाल के बढ़ जाता है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो मैथमेटिकली देखोगे तो के बढ़ जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ना दो रिएक्शन दे रखे हैं, A gives you products 700 केल्विन पे प्रोडक्ट्स बना रहा है और A gives you product 500 केल्विन पे बना रहा है, बट इसमें कैटलिस्ट भी है और हमें बोल रखा है, इट वॉज फाउंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 30 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट मींस ऊपर कैटलिस्ट की EA थी, यहां पे मान लेते हैं EA माइनस 30 है एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए डैश की वैल्यू ई ए माइनस 30 है। ठीक है, कैटलिस्ट के बिना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, ई ए माइनस 30 कर दी। इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, रेट में कोई चेंज नहीं आया, दैट मींस रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, समथिंग के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, ये होता है ना रेट का एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या कंसेंट्रेशन ऑफ ए में कभी चेंजेस की बात हो रही है? नहीं। अगर रेट में चेंज नहीं आया, दैट मींस रेट कांस्टेंट में भी चेंज नहीं आया, बिकॉज ए तो सेम है, चाहे कैटलिस्ट डालो
या कैटलिस्ट ना डालो, चाहे ऊपर का केस है चाहे नीचे का केस है, दोनों में से कोई भी केस है, इसमें ए की वैल्यू तो सेम है, ए तो उतना ही ले रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स अगर रेट सेम है, आर सेम है, दैट मीन्स दोनों केस का के सेम है, ठीक है, दोनों केस का के सेम है, और के को क्या लिखते हैं, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी आर इंटू टी, दिस इज इक्वल टू ए, दोनों के एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब होता है ए, तो दूसरे रिएक्शन का भी ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए माइनस थर्टी बाय आर इंटू टी, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाएगी, तो इसको आप देखोगे ए से ए कट गया, ई की पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर दो, तो ई ए डिवाइडेड बाय 700, ई ए डिवाइडेड बाय 700 इंटू आर इज इक्वल टू ई ए माइनस 30 डिवाइडेड बाय आर इंटू 500, तो आर से आर कैंसिल हो गया, 0000 गए, तो 5 ई ए इज इक्वल टू 7 ई ए माइनस 210, तो ये 2 ई ए इज इक्वल टू 210, ठीक है, तो ई ए की वैल्यू 105 आ गई। तो हम फटाफट ऑप्शंस देखेंगे, 105 है कहीं पे, हाँ बिल्कुल देखेंगे और आंसर मार्क कर देंगे, राइट, और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारा आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को हमेशा ढंग से पढ़ना है। उसने एक्टिवेशन एनर्जी किसकी पूछी है, कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 105 है, कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है 105 माइनस 30 दैट इज 75, द आंसर इज सी। आई होप आपको इस क्वेश्चन से यह समझ आए कि फटाफट आंसर मार्क नहीं करने, आंसर मार्क करने से पहले एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो कि पूछा क्या है, अदरवाइज इस तरीके की गलतियां बहुत कॉमन है कि आपने ईए निकाला, ईए ही मार्क कर दिया, बट उसने ईए तो पूछा ही नहीं, उसने तो ईए माइनस 30 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Guys, this is also an interesting question. ये question equilibrium की बातें करता है ना, equilibrium यहाँ पे दे रखा है A2 और 2A का, ठीक है, तो इस question को करते करते ही हमें इसका concept भी समझ आ जाएगा, तो मैं question करना start करता हूँ। हमें given है कि A2 और 2A के बीच में equilibrium है, equilibrium मतलब reaction both sides चल रहा है, फॉरवर्ड भी चल रहा है और बैकवर्ड भी चल रहा है, तो कभी इक्विलिब्रियम तो आएगा ही, वो तो ठीक है चलो, बट फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K-1 दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइस मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनेंगे, मैं इस इक्वेशन को देखता हूं और मैं ये सोचता हूं यार ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिएक्शन नहीं है, ये दो रिएक्शन है, इसमें से एक रिएक्शन ये है, A2 गिव्स यू 2A जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, A2 gives you 2A जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, और इसमें एक और रिएक्शन छुपा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, 2A gives you A2 जिसका रेट कांस्टेंट K-1 है, तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो A2 2A में कन्वर्ट हो रहा है और 2A A2 में कन्वर्ट हो रहा है, A2 2A में कन्वर्ट हो रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, और 2A A2 में कन्वर्ट हो रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K-1 है, ठीक है। अब गाइस यहां पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, अब ये दो रिएक्शन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है, अब दो रिएक्शन में इस रिएक्शन का रेट लॉ हमें लिखना आता है कि डिफरेंशियल रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटल के इक्वेट करना, वही सेम कहानी जो हम पहले करते थे, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा बेटा, माइनस डी ए टू बाई ए टी डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू k
K1 इंटू A2। इस रिएक्शन को सिंपल एलिमेंट्री मानते हुए कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपको समझ आ रहा होगा, ये डिफरेंशियल रेट लॉ से आगे कहानी, माइनस dA2 बाय dt और इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 1/2 dA बाय dt, ठीक है? ये डिफरेंशियल रेट लॉ से आगे और इसको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ वाली कहानी से इक्वेट कर दिया, विच इज K1 इंटू A2, ठीक है? तो दिस इज वन एक्सप्रेशन। सिमिलरली राइट साइड वाली इक्वेशन का भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। दिस इज वन माइनस 1/2 dA बाय dt, माइनस 1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू d ऑफ A2 बाय dt, दिस इज इक्वल टू K1 इंटू A का स्क्वायर। मैं यहां पे A2 की पावर और A की पावर कैसे देख पा रहा हूं, मेरी एक अजम्पशन है यहां पे, और वो अजम्पशन मैं बोलूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही करना था। अजम्पशन इज कि बोथ रिएक्शंस आर सिंपल स्लैश एलिमेंट्री। सिंपल एलिमेंट्री के बच्चे मतलब बस ये है कि जैसा रिएक्शन लिखा है वैसा ही हो रहा है, दैट इज द अजम्पशन दैट बोथ द रिएक्शंस आर सिंपल एंड एलिमेंट्री इन नेचर। फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टू, तभी तो ए की पावर सीधे वन रख दी। वन क्यों रखी? क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वन है तो ऑर्डर भी वन है। बात समझ आ रही है? ऑर्डर की वैल्यू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर कब होती है? मैंने आपको बताया था ऑर्डर की वैल्यू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर तब होती है जब रिएक्शन सिंपल या एलिमेंट्री नेचर का हो, ठीक है? सिमिलरली यहां पे भी टू इसीलिए लिखा बिकॉज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट टू है और रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो गाइस दोनों से dA by dt निकालने की कोशिश करो जरा। यहां से dA by dt कितना आ गया? दिस इज माइनस, सॉरी नॉट माइनस टू, दिस इज प्लस 2K1 इंटू A2, ठीक है? और यहां से dA by dt निकालोगे कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस 2K1 इंटू A2। मैं dA by dt क्यों निकाल रहा हूं यार? क्योंकि पूछा ही वही है क्वेश्चन में, देखो ना dA by dt पूछा है। तो मैंने एक रिएक्शन को दो रिएक्शन में ब्रेक कर दिया, दोनों का dA by dt निकाल लिया, ठीक है? तो व्हाट इज पहला dA by dt? दिस इज dA by dt फॉर्मेशन, बिकॉज बन रहा है ना, A बन रहा है और दूसरे में ब्रेक हो रहा है, तो इट इज dA by dt ब्रेकेज या डिकम्पोजिशन बोल दो। तो dA by dt ओवरऑल निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना बेटा, दोनों को ऐड करना है, तो 2K1 into A2 minus 2K1 into A square, इसको और इसको दोनों को ऐड किया, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है? अब अगर आप चेक करोगे ये एक्सप्रेशन सी पार्ट से मैच हो रहा है, बहुत क्लियर कट, ये एक्सप्रेशन सी पार्ट से मैच हो रहा है बहुत क्लियर कट, तो इसका आंसर बेटा सी है, ठीक है? आई होप आपको आज का सेशन काफी यूजफुल लगा होगा, ठीक है? दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस एंड एडवांस, और इसके मैंने कोशिश की कि सारे वेरिड कंसेप्ट जो भी इस चैप्टर पे हैं सब पे आपको एक एक सवाल करवा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हर कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसी है, ठीक है? मतलब सवाल आएंगे अगर उस कंसेप्ट में तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक विद रिस्पेक्ट टू योर कमिंग एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।